सुना आपने, डॉक्टर ने क्या कहा? आपको गैस्ट्रोएन्ट्राइटिस विद एक्यूट डिहाइड्रेशन हो गया है। हाँ, आजकल मौसम ही ऐसा है। क्या मौसम का डिहाइड्रेशन से क्या लेना देना? तुझे क्या पता? इंदु, जब तुम टी शर्ट खरीदने गए थे तब तुमने क्या खाया? कुछ नहीं, जरा सी पानी पूरी। oh, yeah. कितनी? हाँ? 140। God help me. 140 पानी पूरी इंद्रवदन। नहीं तो वो द्वारकाधीश के बच्चे को मैं हरा था कैसे? डैड, आपने पानी पूरी खाने की कंपटीशन की? हाँ, और पूरी 8 पूरी से जीता हूं मैं, है ना? वाओ। मनीषा बेटा, तुम्ही ने करवाया होगा ना ये कंपटीशन? नहीं मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ शर्त तय की थी कि हारने वाला जीतने वाले के सारे पैसे देगा। पता है, डैडी जी को पूरे 140 पानी पूरी खाने मिली और वो भी फ्री। सच, बहुत सपोर्ट किया इस लड़की ने मुझे। डैडी जी एक और, आपको मम्मी जी की कसम। डैडी जी एक और, आपको मम्मी जी की कसम। ऐसा क्या कहकर मेरा हौसला बढ़ाती रही, वरना मैं ये शर्त कभी नहीं जीत पाता। नहीं बेटा। मगर इंदु, अब तुम क्रिकेट फाइनल देखने बिल्कुल नहीं जा पाओगे, थैंक्स टू मोनिशा। मामी जी, तुम्हारा तो काम हो गया ना बेटा। इंदु और मैं तो मैच नहीं देख पाएंगे। जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया, अब तुम ही जाना। साहे, मेरी बात तो सुनो। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुना, मैं जा रही हूँ। यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे, बैठो। तुमने इसमें मेरे कपड़े पैक किए? अच्छा, फिर मेरे कपड़े कहाँ हैं? यहाँ है। तुमने 3 दिन से उठाए नहीं है ना? परसों आई थी तब भी यहीं पड़े हुए थे। और बेटा, मुझे लगा कि तुम खाना तो नहीं पकाओगी, इसलिए मैं ही खुद लेकर आ गई। That was thoughtful of you, mom. यहाँ पर आओ मोनी स्वीटहार्ट। देखो मॉम यहाँ खुद आई हैं तुमसे सॉरी कहने। सॉरी? Mom, you're amazing. चलो now, be a good girl और mom को माफ कर दो। साहिल, साहिल मैं सिर्फ खाना लेकर आई हूँ। Sorry, कहेंगी आप। चलो खाना खाते हैं। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? आज मेरा उपवास है। Oh shucks. डैडी जी ठीक हो जाए इसलिए मैंने मन्नत मांगी है। 24 घंटे तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। वाह, बहू हो तो ऐसी। पूरे 24 घंटों का उपवास रखा है, पानी भी नहीं पिया मेरे खातिर। ये तो कोई भी कर सकता है। ऊंट तो 4-4 दिनों तक पानी के बगैर चलता है, और वो भी डेजर्ट में। लेकिन तुम नहीं कर सकती। मैं ऐसी मिडिल क्लास मन्नतों में विश्वास नहीं करती। छोटी छोटी बातों में भगवान को, बेचारे को ब्लैकमेल करना। ये ब्लैकमेल असर करता है मम्मी जी, भगवान सुनते हैं। अगर भगवान सुनते बेटा तो तुम्हारा उपवास कुछ रंग लाता। इंद्रवदन कल मैच देखने जा पाता। बच्ची, मैं ओके हूँ। तुम नहीं जा सकते इंदु। कल वहाँ स्टेडियम में क्रिकेटर्स रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे होगे और तुम रनिंग बिटवीन द टॉयलेट्स। मामी जी, चलिए ना, आज हम दोनों पूरे दिन का उपवास रखते हैं। ये डोंट ये मी, ओके? मैं मोनिशा से बेटर उपवास रख सकती हूँ। इसने तो रगड़ा, पैटिस, समोसा, पानी पूरी जैसी चीजें ना खा करके उपवास किया है। अगर मैं उपवास करती तो मैं फलाफल, गार्डन सैलड, फाड़ा खिचड़ी, क्लियर सूप, इस तरह की पौष्टिक चीजें सैक्रिफाइस करती। बट इट कांट वर्क, सो हार्ड लक डार्लिंग। मामी जी, अगर मेरा उपवास रंग लाया और डैडी जी अगर मैच देखने जा पाए तो आप अपनी टिकट मुझे दे देंगी? Absolutely, I promise. Dad, खुशखबरी है, कुछ बदमाशों ने स्टेडियम के पिच में गड्ढे खोद दिए हैं, इसलिए मैच 2 दिनों के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। क्या? Oh shucks. इसका मतलब मैं मैच देखने जा सकता हूँ। अरे मामी जी, आपकी टिकट। What for? अरे, आपने प्रॉमिस किया था। तुमने कहा था कि डैडी जी कल मैच देखने जा सकेंगे तो मुझे तुम्हें अपना टिकट देना है, लेकिन वो तो हुआ नहीं। मैंने कहा था कि अगर डैडी जी मैच देखने जा पाए तो आप अपनी टिकट मुझे देंगी। नो 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 नो, तुमने कहा था डैडी जी कल मैच देखने जा सकेंगे। कल कहा था कि इंद्रवदन, एंड आई हैव टू गो विद इंद्रवदन। क्यों? अरे उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है, अगर उसे टॉयलेट जाना पड़ा तो कौन ले जाएगा उसे? कौन सी बड़ी बात है? वो इसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे उनमें से किसी का हाथ थाम लूंगा, बोलूंगा भाई मुझे टॉयलेट में ले चलो।